हेलो गाइस, आज देख रहे हो SBR वीकेंड फिशिंग। तो दोस्तों, आज अपन आए मरल का शिकार करने के लिए। तो जस्ट अभी अपन स्पॉट पे पहुँचे, देख सकते हो पीछे का स्पॉट है, यही नगीस पास का स्पॉट है। दोस्तों अभी फिशिंग करने के लिए मरल पकड़ने के लिए आए दोस्तों अपन। तो देखते हैं दोस्तों क्या साइज का मरल लगता है। फटाफट अपन सेटअप तैयार करते हैं और फिशिंग की तैयारी करते हैं। मार दिया उन्होंने। फर्स्ट कैच दोस्तों, पहुँचते बरोबर ही दोस्तों पहुँचते बरोबर ही पहला लगा अपने को लग, बढ़िया साइज का धड़का है, फर्स्ट कैच हुआ दोस्तों। दोस्तों इसका अटैक नहीं आया, वो उसने घास के अंदर उसने ऐसा मुंह मारा तो उसके वजह से उसका अटैक नहीं दिख पाया, लेकिन तो भी अपन ने इसको निकालते इसको शूट किया है और बढ़िया साइज का लग भी है। साइज देखो किलो भर की साइज है। लग गया दोस्तों, एक और धड़का लगा है, बड़ी साइज नहीं है तो फिर आधा पौन किलो की साइज है, एक और लगा है अपने। दोस्तों अपन ऐसे लोकेशन चेंज किया है, अपन सुबह मॉर्निंग में गए थे नानगांव पेट पे, तो वहाँ अपने को सिर्फ एक ही धड़का लगा था। तो अभी अपन शाम का टाइम है, इवनिंग का, ये साइड में है दूसरे तालाब पर, तो अपने को पहुँचते पर पहला नाक लगा है। एक और लगा है,
मरल लगा है दोस्तों, ये मरल लगा है दोस्तों अपने को, ये अपना आज का तीसरा कैच है, मरल लगा है, अच्छी साइज का मरल है, किलो डेढ़ किलो की साइज है। फ्रॉग देखो दोस्तों, मिनी फ्रॉग है, पूरा अंदर तक के लिया है इसने, बढ़िया साइज का नगे। ये आज का अपना तीसरा कैच, दोस्तों स्पॉट देख सकते हो कितना डेंजरस है, और यहाँ मर लगने चांसेस इस कारण से है कि इधर कोई आता नहीं खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ बिपटा बहुत है, इस पार्ट पे बिपटा बहुत है, ये तालाब का पार्ट है दोस्तों पीछे साइड का बबुल का, यहाँ पे बिपटा बहुत है, ये टाइम पे ज़्यादा देर तक रुके तो चांसेस है बिपटे के हमले होने के, तो अपन फटाफट को कॉर्नर का पार्ट खेलते हैं और निकल जाते हैं। एक और धड़का लगा दोस्तों, अच्छी साइज का धड़का है, एक और कबरा मरल लगा, ये भी बढ़िया साइज है, ये चौथा कैच है दोस्तों आज का अपना, शाम में अपन वापसी में जाते जाते एक और नग लग गया अपने को। ये देखो दोस्तों मिनी फ्रॉक का कमाल, छोटा सा ही फ्रॉग है दोस्तों 15 ग्राम का, इससे पाव भर का भी नग नहीं बचता, तो ये आधा किलो पौन किलो की साइज क्या है दोस्तों। ये आज के अपने चार नग है, ये चार नग आपने कैचअप किए, आज दिन भर मेहनत करने के बाद अपने को ये चार नग लगे, दो डैम जाना पड़ा दोस्तों अपने को ये चार नग पकड़ने के लिए। तो दोस्तों अपने को चार नग लगे और इसके अपन कुकिंग भी करने वाले हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, काफ़ी थक चुका हूँ, काफ़ी थकान हो चुकी है, और एक तो जंगल का पार्ट था वो काफ़ी अंदर जाने के बाद अपने को शिकार मिला है, तो इसके अपन कुकिंग करेंगे, और कल अपन यहाँ से जाने वाले दूसरे डैम पे जहाँ पे अपने को रोहू का रिपोर्ट मिला है, कल अपन आप जाके चराई करेंगे और फिशिंग भी करेंगे और कुकिंग भी करेंगे, तो बन रहे दोस्तों वीडियो में, मिलते हैं आपको कल। तो दोस्तों अभी अपन तालाब पे पहुँचे हैं और यहीं अपन मरल का अपना कुकिंग का वीडियो बनाने वाले, और हमारे इधर आने के बाद हमारे विनोद भाई यहीं पे पड़न का शिकार करने वाले, तो उनको एक पड़न लगी है, चलते उनका सेटअप देखते हैं और क्या साइज की पड़न उन्होंने मारे वो भी देखते हैं। दोस्तों देख सकते हो इसने जंगल के अंदर बैठे हमारे जंगली शिकारी, और पड़न की साइज देखो दोस्तों अच्छी साइज है, कल इससे बड़ी थी, कल इससे बड़ी पकड़े थे दो, तो क्या चेक किए थे, आज एक लगी इनको, अच्छी साइज है पड़न की। और हमारे सूरज भाई ने मारे है, सुनी ने उसने बोले ले गया, बोले मान लो तू जाती दिखती उसके, तो मैं उसके आ गया, देखना बेहतर है वहां पे, वो तो नहीं होता थोड़ी मालूम, ऐसा मसला है घर के, मेरे को मारा तो मैं पलिंग जाता था, मेरे को तो पल जाती थी उसके सामान।
ऊपर से आ रहा हूँ। अपने छड़े हैं वहाँ पे, अपने छड़े हैं पूरी वहाँ पे, अपने छड़े हैं पूरी वहाँ पे। तग्गी में वो तग्गी में गया। क्या बोल रही? अभी है रहू है कि क्या है? अभी आ रहे होंगे और कुछ नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 5 किलो या 1 किलो का नग होगा। ये नग लगा है हमारे को अभी ना भाई, इसका मतलब चटका ना मरता। तो दोस्तों अपने रहू की पूरी मेहनत पानी में चली गई। आपने जो चराई वगैरह किए थे, जो मच्छी आपने जमा किए थे, तो पूरी भैंसा पानी में घुस गई है। पूरी मेहनत अपनी पानी में गई है। चले जाने दो, आपन अपना जो मरल का सेटअप है वही तैयारी करेंगे। फटाफट सेटअप की तैयारी करते हैं अपन अपने इसकी। तो दोस्तों ये अपने कल के मरल है, जिसको अपन आज मरा नहीं हुआ फिश बारबेक्यू बनाने वाले है। और उधर भट्टी का सेटअप है जो अपने विक्की भाई लगा रहे हैं। वो भट्टी है ऑनलाइन, विक्की भाई ने मंगाया भट्टी। इन्होंने मंगाया भट्टी ऑनलाइन, आज उसी पे अपन फिश बारबेक्यू बनाने वाले मरल का। तो आज पलान किस तरह सफा करेंगे देखने को मिलेंगे अपने को, किस तरह से कट मारते हैं मरल की। दोस्तों उसको इस तरह से कट मार के अपने को ऊपर का पंख निकालना है उसका। दोस्तों ये तालाब में अपन फटाफट इसको साफ कर लेंगे। इसको अपन डायमंड कट मारेंगे मरल को। मछलियाँ देखो, छोटी मछलियाँ देखो कितनी आ रही है, छोटी मछलियाँ देखो दोस्तों कितनी आ रही खाने के लिए, मांस के टुकड़े। मरल अपना सफा हो चुका है दोस्तों, इसको लंबे लंबे कट मार ले अपन अपने मरल को। ये हमारा आकाश पलान है, आज इन्हीं के हाथ का अपन फिश बारबेक्यू खाने वाले हैं। तो दोस्तों अपना नुकसान इस चीज़ का हो गया, जो मसाला अपन लाए थे उसमें सोंडे पड़ चुके हैं। तो फिलहाल में अपने जो मसाला है उसी से काम चलाना पड़ेगा अपने को। पहले को काफ़ी बढ़िया आग लग चुकी है, बस लाल होने की देरी है। फटाफट से अपन मछली को मसाला लगाते हैं और कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इधर अपनी भट्टी को कोयला भड़क चुका है, ये हमारे विक्की बहन ने कोयले को भड़का दिया है। और अपने पलान इधर मसाला लगाना चालू है मरल को। मसाले में उसको ज़्यादा कुछ आइटम नहीं है, सिर्फ मिर्ची और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस 3 से 4 आइटम है उसमें दोस्तों। और तेल आपने डाला ऊपर से दिखाते। और हमारे शुभम भाई ने बहुत बड़ी तस्वीर मार के लाई है, रिकॉर्ड साइज है उसकी। साइज तुम देख के अंदाजा लगा सकते हो कितने केजी की होंगी। और हमारे शुभम भाई इससे समझ चुके हैं आपकी कितना खतरनाक शिकारी है करके। तो दोस्तों अपना कोयला भड़क चुका है और फटाक से अपन अपनी मच्छी रखते। अरे ऊपर पिछले हाथ मतलब हो गया क्या कर रहे। ये सब में बड़ी रिकॉर्ड साइज है गणेश। ये हमारे पलान ने मारे हैं गुरु भाई पलान टाटके का भाई।
ये हमारे छोटे भावे शिकारी, ये हमारे भतीजे ने मारी है कोड़शी। दोस्तों 1 2 3 4 सब एक कोड़शा कनेरा के पीछे लग चुके हैं। और ये हमारे आकाश पलान, ये आ गए सबसे बड़े शिकारी आ रहे हैं। बिल्कुल कड़क भिन्ना चालू है इसको, और हमारा मरल रेडी हो चुका है। अब फटाफट इसका अपन टेस्ट करते हैं, फटाफट इसका टेस्ट लेते हैं किस तरह से बना है, और अपने मेंबर को बुलाते हैं फटाफट। तो दोस्तों अपना मरल रेडी चुका है और अपनी टीम पूरी आ चुकी है। अब फिश बारबेक्यू जो अपना आकाश पलान ने बनाया है उसका टेस्ट सबके हाथ से लेके देखेंगे किस तरह का टेस्ट बना है। ये हमारे आकाश पलान ने बनाए फिश बारबेक्यू मछली अपने, और सबका स्टार्ट हो चुका है खाना। वाह एक नंबर गाइस, एक नंबर। बढ़िया टेस्ट बना है, एक नंबर आइटम बना है, बोलते काम की चीज है। और ये सब सक्सेस हुआ हमारे भुरु भाव की वजह से, उन्होंने भट्टी लाए। तो दोस्तों अच्छी तरह से पक चुका है, एकदम क्रंची और क्रिस्पी पीस हो चुका है एकदम। टेस्ट लेते इसका कैसा है ना। एक नंबर, काफी मजा आया। तो दोस्तों काफी बढ़िया वीडियो बनाया है। तो जो अपने चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।